हेलो फ्रेंड्स, इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग गणतंत्र दिवस के बारे में जानेंगे कि गणतंत्र का क्या अर्थ होता है और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को ही क्यों मनाई जाती है। और हम लोग ये भी जानेंगे कि गणतंत्र दिवस के दिन जो है झंडा रोहण नहीं किया जाता है बल्कि झंडा फहराया जाता है। तो आइए इसी तरह से जुड़े सवालों का जवाब हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि गणतंत्र का क्या अर्थ होता है। देखिए, गणतंत्र, अच्छा, एक गणतंत्र होता है और एक होता है लोकतंत्र। थोड़ा इसको भी यहीं पर जान लीजिए। गणतंत्र को गणराज्य भी कहते हैं। तो हमारा देश गणतंत्र भी है और लोकतंत्र भी है। तो हम पहले इनके शब्दों के अर्थ के बारे में देख लेते हैं। देखिए, गणतंत्र, गण का मतलब होता है जनता, तंत्र का मतलब होता है प्रणाली, यानी जनता वाली प्रणाली, यानी जनता वाला सिस्टम। ये भी देख लीजिए, लोकतंत्र, लोक का मतलब जनता, तंत्र का मतलब प्रणाली, यानी जनता वाली प्रणाली। अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो दोनों का सेम है, चाहे गणतंत्र हो या लोकतंत्र हो, लेकिन व्यवहारिक रूप से इनमें अंतर है। आइए हम देख लेते हैं इसमें अंतर क्या है। देखिए, गणतंत्र हम उसको कहते हैं जिस देश का जो प्रमुख है, देश का अगर प्रमुख जनता द्वारा निर्वाचित होता है तो उस देश को हम गणतंत्र कहेंगे या गणराज्य कहेंगे। और इसका क्या है, इसका है कि शासन का प्रमुख अगर जनता द्वारा निर्वाचित होता है तो उसको हम लोकतंत्र कहते हैं। अगर हम अपने देश के संदर्भ में बात करें तो हमारे देश का प्रमुख कौन होता है? हमारे देश का प्रमुख होता है राष्ट्रपति। हालांकि हर देश में अलग अलग होता है देश का प्रमुख, कहीं राजा होता है, कहीं उसका कुछ और भी नाम हो सकता है। तो हमारे देश में देश का प्रमुख जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। देश का प्रमुख या राष्ट्र का प्रमुख या राष्ट्र अध्यक्ष कह सकते हैं, राज अध्यक्ष कह सकते हैं, ठीक है। तो देश का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति क्या है? जनता द्वारा निर्वाचित होता है, इसीलिए हमारा देश क्या है? एक गणतंत्र है। और जो है, देखिए, यहां पे शासन का प्रमुख कौन होता है? शासन का प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री हमारे देश में। अब प्रधानमंत्री जो होता है वो कैसे निर्वाचित होता है हमारे देश में? जनता द्वारा निर्वाचित होता है। तो इसलिए हमारा देश जो है क्या है? लोकतंत्र है। तो गणतंत्र का संबंध देश के प्रमुख से है और लोकतंत्र का संबंध शासन के प्रमुख से है। तो यहां पे आप ध्यान रखना कि देश का प्रमुख हर जगह अलग अलग होता है, ठीक है, अगर दूसरे देशों के संदर्भ में देखा जाएगा। लेकिन भारत के संदर्भ में राष्ट्रपति, और शासन का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो हमारे देश में 26 जनवरी 1950, अगर ये डेट देखा जाए, 26 जनवरी 1950 इसी तारीख को जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने शपथ लिया था। तो इसीलिए भारत को क्या कहते हैं? गणतंत्र। उस डेट को क्या कहते हैं? गणतंत्र दिवस के रूप में हम मनाते हैं 26 जनवरी को, क्योंकि राष्ट्रपति की वजह से। तो ये तो नाम का अर्थ हो गया। अब हम एक बात और जानने की कोशिश करते हैं कि संविधान बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को जो है हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था।
यानी इसी दिन जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे उनका हस्ताक्षर हो गया था। और हम प्रस्तावना में भी देखेंगे नीचे कि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत अधिनियमित एवं आत्म अर्पित करते हैं, यानी 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हमारा संविधान बनके तैयार हो गया, लेकिन इस दिन इसको लागू नहीं किया गया। हाँ, कुछ अनुच्छेद को जरूर लागू किया गया था, लेकिन पूरे संविधान को इस डेट में लागू नहीं किया गया। कब लागू किया गया? दो महीने बाद, 26 जनवरी को, 26 जनवरी 1950 को। क्यों नहीं इस दिन लागू किया गया? आखिर इतना डिले क्यों किया गया दो महीना? इसके पीछे हमको इतिहास में जाना पड़ेगा। देखिए, इसके पीछे इतिहास यह है कि सन 1929 ईस्वी की बात है। कांग्रेस का जो है लाहौर में क्या हुआ था? अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन। देखिए, यहां पर एक बात और जान लेते हैं। हम जानते हैं कि कांग्रेस जो एक संगठन था, ठीक है, इसका काम क्या था? इसका काम था कि राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व करना, आजादी की लड़ाई लड़ना। तो कांग्रेस जो था उसकी हमेशा एक मतलब हर साल एक अधिवेशन हुआ करता था दिसंबर महीने में। तो वहां पे जो है तमाम फैसले लिए जाते थे कि कैसे हमको राष्ट्रीय आंदोलन में आगे जो है रास्ता तय करना है, किस तरह से हमको लड़ाई अंग्रेजों से जारी रखनी है, क्योंकि उस समय हम लोग गुलाम थे। तो इस तरह से वो हर साल जो है उसकी बैठक हुआ करती थी, अधिवेशन का मतलब बैठक। तो 1929 ईस्वी में बैठक हुई और उसमें एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। क्या फैसला लिया गया? पहली बार पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया। पूर्ण स्वराज्य, ये पूर्ण स्वराज्य क्या होता है? देखिए, ये पहली बार ऐसा हुआ कि हम लोगों ने पूरी तरह से स्वतंत्रता की मांग रखी अंग्रेजों से। उससे पहले हम पूरी तरह से स्वतंत्रता की मांग अंग्रेजों से नहीं रख पा रहे थे, या तो मतलब खातिरदारी में, या यूं समझ लीजिए किसी भी वजह से, चाहे डर की वजह से या किसी भी वजह से, हम पूरी तरह से स्वतंत्रता की मांग नहीं रख पा रहे थे। ये पहली बार इतिहास में हुआ कि पूर्ण स्वराज की मांग हमने कर डाली। उससे पहले हम डोमिनियन स्टेट की बात कर रहे थे। डोमिनियन स्टेट का मतलब ये होता है कि यानी आप जो है सर्वोच्च सत्ता पे बने रहिए और हमको जो है उसी सर्वोच्च सत्ता के अंदर ही हमको भी स्वशासन का अधिकार दे दीजिए कुछ। तो हम लोग पूरी स्वतंत्रता की मांग नहीं कर पा रहे थे। हम लोग कह रहे थे कि हमको डोमिनियन स्टेट बना दीजिए। और डोमिनियन स्टेट का मतलब ये होता है कि मतलब सर्वोच्च सत्ता अंग्रेजों की ही बनी रहती उसमें, लेकिन उसके अंदर हमको भी स्वशासन का कुछ अधिकार मिल जाता। हम लोग इसी पे राजी थे कि हमको इसी तरह से दे दीजिए, लेकिन अंग्रेजों ने उसको भी नहीं दिया। तब हम लोगों ने ये मतलब पारित कर दिया पूर्ण स्वराज्य का। और इसी अधिवेशन में ये भी डिसाइड किया गया कि 26 जनवरी 1930 को हम क्या मनाएंगे? स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। ध्यान देना, 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया और इसी दिन तिरंगा फहराया गया और जगह जगह रैलियां की गई। ये हम लोगों ने संकल्प ले लिया कि आप आजाद करें ना करें, लेकिन प्रतीकात्मक रूप से ये हम लोगों ने जता दिया कि हम स्वतंत्र हो चुके हैं स्वतंत्रता दिवस मना करके। इसको कह सकते हैं प्रतीकात्मक स्वतंत्रता दिवस। तो स्वतंत्रता दिवस हम लोग 26 जनवरी से मनाना शुरू किए और ये परंपरा एक चल पड़ी। फिर जो है 31 में मनाए। इस तरह से हर साल जो है स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी को
मनाते रहे। लेकिन ध्यान दीजिए आप कि 26 जनवरी को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते थे, फिर आगे क्या हुआ कि हम लोगों को जो आजादी अंग्रेजों ने दी वो 15 अगस्त 1947 को दे दी। 1947 को। अब जब 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों ने हमको शासन सत्ता सौंप दी, तो अब हम इस डेट को पकड़ लिए 15 अगस्त को। अब हम क्या मनाते हैं, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, और पहले 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाई जाती थी। तो अब ये क्या हुआ, 26 जनवरी की कोई उपयोगिता नहीं रह गई क्योंकि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाने लगा। तो अब उसमें मैटर ये हुआ कि 26 नवंबर 1949 को जब संविधान बन के तैयार हुआ, संविधान सभा ने जब तैयार कर दिया इसको, तो उसमें 2 महीने विलंब कर दिया गया इसी वजह से, इस तारीख को जिंदा रखने के लिए। 26 जनवरी 1930 से जो परंपरा शुरू हुई थी, तो इस डेट को क्या कहा गया कि इस परंपरा को, इस तारीख को जिंदा रखा जाए क्योंकि ऐतिहासिक तारीख है ये, तो इसीलिए 2 महीने डिले कर दिया गया और 26 जनवरी 1950 को मतलब ये संविधान लागू किया गया पूरी तरह से। तो अब इसको स्वतंत्रता दिवस के रूप में नहीं मनाते हैं, बल्कि चूंकि स्वतंत्रता दिवस तो 15 अगस्त को ही मनाते हैं, और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाने लगे, क्योंकि उसी दिन जो है हमारे देश के जो राष्ट्रपति थे उन्होंने शपथ ली थी, गणतंत्र हमारा देश बना था। सब पूरा संविधान जो है इसी दिन लागू हुआ था, पूरा संविधान 26 जनवरी 1950 को। अब हम लोग जो है एक चीज और जान लेते हैं। देखिए, जब संविधान बन रहा था 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ और संविधान बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई, लेकिन अंग्रेजों ने बीच में ही हमको आजाद कर दिया। जब संविधान अभी बना ही नहीं, उससे पहले हमको आजाद कर दिया। अब हम लोगों के सामने बहुत बड़ी समस्या थी। 15 अगस्त 1947 को तो प्रधानमंत्री ने शपथ ले ली, लेकिन अब हमारे सामने समस्या ये थी कि हमारा कोई अपना संविधान ही नहीं था, तो हम लोगों को मजबूरी में जो पहले वाला संविधान चल रहा था भारत सरकार अधिनियम 1935, उसी के अकॉर्डिंग हमको शासन चलाना पड़ा। तो भारत सरकार अधिनियम को जो है 26 जनवरी 1950 को ख़त्म कर दिया गया और उसी के जगह पे भारतीय संविधान लागू किया गया। एक बात हम और जान लेते हैं कि झंडारोहण 26 जनवरी को नहीं किया जाता है, बल्कि झंडा फहराया जाता है। ऐसा क्या बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? देखिए, 15 अगस्त के दिन हमारा देश आजाद हुआ था, आप सभी को मालूम है, तो उस दिन वहां पे ब्रिटिश झंडा लगा हुआ था क्योंकि उससे पहले ब्रिटेन का शासन था, तो ब्रिटेन के झंडा को नीचे उतारा गया, यूनियन जैक जिसको कहते थे, तो यूनियन जैक को नीचे उतारा गया और हमारे तिरंगे को धीरे धीरे ऊपर चढ़ाया गया, जिसको कहते हैं आरोहण। आरोहण का मतलब नीचे से ऊपर ले जाना। तो झंडारोहण जो है ये 15 अगस्त के दिन किया जाता है और फिर ऊपर ले जाकर के उसको फहरा देते हैं। तो 15 अगस्त को क्या होता है कि झंडारोहण भी करते हैं और फहराते भी हैं। फहराना का मतलब खोलकर हवा में लहरा देना। उसके बाद में 26 जनवरी को झंडारोहण नहीं किया जाता है, ये चढ़ाया नहीं जाता है कि वो प्रक्रिया में नहीं आती है चढ़ाने वाले, ठीक है? तो उसमें ये मान्यता है कि चूंकि झंडा पहले से लगा है, हम तो 15 अगस्त को ही आज़ाद हो चुके हैं, तो उस दिन झंडा को जो है सिर्फ फहराया जाता है, चढ़ाया नहीं जाता, यानी आरोहण नहीं किया जाता है बल्कि सिर्फ फहराया जाता है। झंडा कौन फहराता है? तो राष्ट्रपति। कहाँ फहराते हैं? राजपथ पे। तो वहाँ जो है एक सेना का परेड भी होता है, आप देखते होंगे टीवी वगैरह पे। और 15 अगस्त के दिन कौन झंडारोहण करता है, फहराता है? वो प्रधानमंत्री जी करते हैं लाल किले से। देखिए, हमारे बताने का जो मकसद था
कि आप एक सामान्य जानकारी रखें गणतंत्र दिवस के बारे में। जय हिंद, जय भारत।